नमस्कार, मैं भानु शर्माली। मिथुन राशि वालों के लिए राहु शुक्र के गुण गाता हुआ बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए आ रहा है राहु। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को 8:30 मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे, जो कि एक शुक्र की राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए राहु 12वां होगा, वह भाव में होगा। राहु और केतु हमेशा वक्र गति से चलते हैं, लगन से वय में, वय से लाभ में, लाभ से दशम में, इस प्रकार के क्रम से चलते हैं। राहु को शनि जैसे फल और केतु को मंगल जैसे फल प्रदान करता है। राहु एक रहस्यवादी ग्रह है, केतु ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, राजा से रंक बना सकता है, रंक से राजा बना सकता है। राहु नसों की समस्या भी उत्पन्न करता है, काल सर्प योग का निर्माण करता है, वहीं पितृ दोष की भी घोषणा करता है, तो वहीं राहु छप्पर फाड़ कर देने वाला है। राहु का संबंध अगर सूर्य और चंद्रमा से संबंध अगर शुभ है तो परिणाम भी शुभ ही देगा, वरना परिणामों में न्यूनता आ सकती है। राहु छाया ग्रह है, यह जिसके साथ बैठता है उसी के अनुसार परिणाम देता है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसके साथ मिले वैसा, तो परिणाम राहु के मिलते हैं शुक्र के परिणाम जैसे आपके परिणाम होंगे, और बहुत ही शुभ परिणाम होंगे। वो किस किस में परिणाम होंगे उस पर मैं बताऊंगा आपको। राहु 5 और 9 नवमी दृष्टि है, और साथ में सातवीं दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। कई ज्योतिषी आपको कह सकते हैं राहु द्वादश अच्छा नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि शुक्र की राशि में आपके अच्छे परिणाम देगा। अगर राहु की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं, वरना कुछ न्यूनता आ जाएगी, लेकिन परिणाम अच्छे ही मिलेंगे राहु के। वृषभ राशि का राहु मिथुन राशि वालों के लिए द्वादशी भाव में होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु वृषभ राशि का, कर्क राशि का, या सिंह का, या कन्या का, वृश्चिक का, मकर का, मीन राशि का है, तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। भ्रमण अवश्य करवाएगा, आपको साथ में आकस्मिक लाभ भी करवाएगा। जो शेयर या लॉटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्त लाभ होने वाला है। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में लाभ करवाता है द्वादशेश राहु, और स्त्री द्वारा भी लाभ करवाता है। पुत्र होते हैं, पुत्र सुख मिलता है, संतान के शुभ समाचार आते हैं, लेकिन पुत्र की कहीं ना कहीं चिंता जरूर सताती है। लावारिश धन मिलने के योग बनते हैं। अन्य राशियों में फिर सुख में कुछ कमी आ जाती है। जो सब मैंने बताया उन राशियों के अलावा है तो उनमें न्यूनता आ जाएगी, मानसिक अशांति बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, और राहु केतु का आपको पेंडल धारण करना चाहिए, जो कि प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित सिद्ध किया हुआ आपके लिए मैं उपलब्ध करवाऊंगा। आप चाहते हैं तो हमारे से नीचे दिए गए नंबरों से मंगवा सकते हैं, या आपके नजदीक कहीं मिलता है तो उसको ब्राह्मण द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, अभिमंत्रित करवा करके आपको धारण करना चाहिए। उससे परिणामों में कुछ अच्छाइयां आएगी। राहु का एक उपाय भी मैं आपको बता दूं, शनिवार को राहु काल 9 से 10:30 के मध्य होता है। राहु का रंग हमारे गौ माता के गोमूत्र जैसा, तो आप एक नारियल लेवें, उसको गौ गोमूत्र में भिगो देवें, उसके बाद अपने ऊपर से 7 बार परिक्रमा करवा करके उसको जल में प्रवाहित कर देवें, चाहे वो तालाब हो या नदी हो या कुआ हो, ऐसा कोई पानी का हो वहां पर प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नजदीक में उपलब्ध नहीं है तो आप
एक बाल्टी में पानी भर करके उसके अंदर श्रीफल को रख देवे, अपने ऊपर से घुमाने के बाद में उस पानी बाल्टी में रख देवे और 5-7 घंटे रहने दे। फिर उस पानी को कोई पीपल के, बड़ के, केली के या शमी वृक्ष के पौधे में पानी पिला देवे और नारियल उसके पास में रख देवे, जिससे ये होगा कि आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, आप कंफ्यूज हैं तो वो मिट जाएगा, आप में सकारात्मकता आएगी, पोजीशन अच्छी बनने लगी, लाभ कहीं से होना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार के अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। एक बार आप करिएगा अवश्य, जिससे शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद, नमस्कार, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।